केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र गंजवा सौदा में खाद की कालाबाजारी सामने आई है। इतना ही नहीं, किसान खाद को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। जब जांच दल पहुंचा तो खाद वितरण केंद्र पर कई गड़बड़ियां सामने आई। देखिए खास रिपोर्ट। रबी की फसल गेहूं की बुआई का सीजन शुरू हो गया है। खेत बुआई के लिए तैयार है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा के गंजवा सौदा में किसान खाद नहीं मिलने से काफी परेशान है। किसानों का आरोप है कि खाद की कमी बताकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है, ब्लैक में खाद बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद तय कीमत से ज्यादा रेट में दी जा रही है, जिस पर व्यापारियों का कहना है कि नैनो यूरिया के रेट की वजह से खाद की कीमत 1900 रुपए हो रही है। गोली खा गया है लूट के, है ना, बीपी बढ़ गया था, घबराहट हो रही, पब्लिक जा रही थी मेरे पास, तुम्हें गोली खा के तुरंत लौट के आ गया, है ना। बार्डर सुना देते हैं अपन, ग्राहक उस बार्डर के पैसे जोड़ते नहीं है सर, अपना बार्डर अपने सुनाता आ रहे हैं, सर ने मना कर दिया, अपन समझा देंगे ग्राहक को, फिर भी अपन दे देते हैं। नैनो यूरिया सर, नैनो यूरिया है सर, वो मेरे पास आते हैं तो अपन ग्राहक को समझा देते हैं। आज तक खाद नहीं प्राप्त हुआ, ब्लैक में बिक रहा है, मुझे नहीं मिला। डेली आता है खाद, डेली बढ़ता है, मुझे नहीं मिला। क्या कारण से नहीं मिल पा रहा? शॉर्टेज है, बोल रहा है माल ही नहीं आ रहा, क्या माल आ गया तो मशीन पे नहीं चढ़ा, दो दिन बाद आना, दो दिन बाद मिलेगा, सुबह तो पता चला है बढ़ रहा है खाद, मैं आया तो मुझे खाद नहीं मिला, दुकान बंद है। किसानों का आरोप है कि 1100 रुपये की 1800 बोरी मिल रही है, 1350 रुपये प्रिंट है बोरी पे, 1950 रुपये बता रहा है, वो दे रहा है 1950। ये कौन सी दुकान का मामला है? दुकान में कई दुकानों पर जा चुका, सब एक ही रेट बता रहा है। इस दुकान पे आप आए थे, इस पर कितना? 1950 ही बताया, जब कार्रवाई हुई अधिकारी आए तो बोले ये एक पैकेट अलग से दे रहा है, उसको 550 रुपये। समय पे अगर खाद नहीं मिल पाई तो उसका परेशानी होगी? समय पे खाद नहीं मिला तो जमीन बोने से कोई मतलब नहीं है, फसल होगी नहीं, लागत किसान की कोई नहीं है, जिसके पास पानी नहीं कलम लगा रहे हैं, थोड़ी देर से लगा रहे हैं। वहीं किसानों के द्वारा कालाबाजारी की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने जब जांच की तो खाद वितरण में गड़बड़ी देखने को मिली। खाद के स्टॉक रिकॉर्ड का मिलान किया गया तो खाद की बोरियों में हेरफेर सामने आए, जिस पर जिला प्रशासन ने प्रकरण भी दर्ज किया। कालाबाजारी को लेकर के जिला प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन को मिली थी, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर स्थानीय जो भी प्रशासन है और कृषि विभाग की टीम के साथ यहाँ आज उपलब्ध हुआ है, जिसमें यहाँ पारस ट्रेडर्स दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें जो DAP खाद की उपलब्धता है आज दिनांक को 25 टन होना बताई गई है, परंतु चूंकि वो माल अभी POS मशीन पर नहीं चढ़ा है, जिसके कारण उन्होंने वितरण होना नहीं बताया है। जब भौतिक सत्यापन किया गया तो उसमें 108 बोरियां भौतिक सत्यापन में कम पाई, जिसका कि उन्होंने ऑफलाइन रिकॉर्ड प्रदर्शित किया, जिसमें 44 बोरी के रिकॉर्ड तो उनके पास उपलब्ध हैं, शेष उपलब्ध नहीं होने से उनका कार्रवाई विवरण बना करके प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। और साथ ही जो कालाबाजारी के संबंध में शिकायत मिली थी कि 1900 रुपए की बोरी विक्रय की जा रही है, तो उसमें 1350 की DAP बोरी और साथ ही करबको के जो पैकेट है 550 के, उसका योग लगा करके वो 1900 रुपए की जो भी सामग्री विक्रय की जा रही थी, दुकानदार को समझाइश दी गई कि बिना किसान की सहमति के किसी भी प्रकार का खाद इत्यादि का वितरण किसान को न किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो खाद की किल्लत को लेकर प्रदेश भर से खबरें सामने आ रही है। सरकार के सख्त रवैये के बाद भी खाद वितरण केंद्र पर व्यापारी कालाबाजारी को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, गंजवा सौदा।